हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखें मिक्स अचार डाल रहे हैं और हमने ये देखें कुछ सब्जियां ले ली हैं जिसमें मूली है, गाजर है, गोभी है और जो सेम होती है ना चौड़ी वाली वो है, कुछ मटर भी लिए हैं हमने और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। इन सारी सब्जियों को हमने अच्छे से धो लिया है और अब हम इनको काट रहे हैं। आप जिस शेप में चाहें काट लें, मैं सर्कुलर काट रही हूँ और इन सारी सब्जियों को काटने के बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। और बहुत ही हेल्दी अचार बनेगा ये, बहुत ही फ़ायदेमंद। हम सारी सब्जियों का यूज़ एक ही अचार में कर लेंगे और अचार तो इतना सभी का फेवरेट होता है कि कोई भी उसे खाने से इनकार नहीं कर सकता। सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी को अचार बहुत पसंद आता है। आप सब्जियों के साथ, दालों के साथ, पराठे से कैसे भी अचार खा सकते हैं। और ये जो हम अचार बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनाएंगे और इनमें जो हम मसाले डालेंगे वो सारे ही हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं और हमें मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ही फायदे का अचार बनेगा ये। इन सारी सब्जियों को देखें, हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिया है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लें और उसी हिसाब से उसमें स्पाइसेस भी ऐड करें। तो देखें, ये सारी हरी मिर्चों को भी हमें इसी तरह मोटा मोटा गोल गोल काट लेना है। और ये देखें, मैं सारी हरी मिर्चों को इकट्ठा करने के बाद और फिर काट लूँगी। आप जिस शेप में चाहें काट लें। हमें कोई रेगुलर शेप हरी मिर्चों वगैरह की नहीं चाहिए, बस सेम शेप हो सारी सब्जियों की। मैंने तो इस तरह काटी हैं। और ये देखें, हम इन सब्जियों को स्टीम करेंगे और बहुत कम बॉईल करेंगे ताकि इनके फ़ायदे भी बाकी रहें। और देखें, एक हमने बड़े बर्तन में ही पानी बॉईल कर लेना है और ये सारी सब्जियां इनमें इस पानी में ऐड कर देंगे। और ये जो हरी मिर्च देखें मैंने इसमें डाल दी है ना, सारी मिक्स हो गई थी तो इसे निकाल लूँगी। हरी मिर्चें हमें बॉईल नहीं करनी है, ये बाय मिस्टेक इसमें चली गई पानी में, क्योंकि एक साथ कटी हुई थी ना सब्जियों के साथ। तो मैं अभी एक स्ट्रेनर से इन मिर्चों को निकाल लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि मिर्चें हमें बॉईल करनी ही नहीं है और बाकी की सब्जियाँ हमें बॉईल करनी है। बस हमें 2 से 2.5 या 3 मिनट बहुत ध्यान से इन्हें बॉईल करना है। इससे ज़्यादा अगर हम बॉईल करेंगे तो हमें ये अचार बहुत ही गल जाएगा और बहुत ही इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बुरा होगा, ख़राब हो जाएंगी ये सब्जियाँ। तो इसलिए हमें बस 2.5 से 3 मिनट इन्हें बॉईल करना है, बल्कि बॉईल पानी में ही डालना है। आप पहले से सब्जियों को पानी में न डालें, जब बिल्कुल पानी बॉईल हो जाए अच्छे से तभी डालें। और ये हम इनको ज़रा अच्छे से पानी के अंदर डिबा देंगे, खूब अच्छी तरह ये डूब जाएं। और ये देखें, ये ढक दिया है हमने इनको और अब चेक करते हैं। लगभग हमारी सब्जियां तैयार हैं ये, और देखें अच्छे से बॉईल हो रही हैं। बस अब हम इन गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इधर हम अपने मसाले तैयार करेंगे और ढकने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये देखें, मैंने कुछ मसाले लिए थे, सौंफ, ज़ीरा और थोड़ा सा दानों वाला धनिया, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है ये मैंने, देखें। और इसमें जो आपको थोड़े बहुत काले बीज नज़र आ रहे होंगे वो कलौंजी है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। और ये जो हम खरल कर रहे हैं ना, ये पीली वाली सरसों है, लगभग 1.5 टीस्पून के करीब है। छोटा चम्मच दो जो होता है ना उसे
उसके बराबर है ये पीली वाली सरसों, इसे हम खरल कर लेंगे। और अगर आप खरल ना करना चाहें और आपके पास ये कुटना ना हो तो आप मिक्सी कर लें, लेकिन ये बहुत इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ी सी दरदरी सी हमें पीली सरसों को इस तरह कर लेना है। और उसके बाद हम बाकी के मसाले भी अभी आपको दिखाते हैं हमें क्या क्या इस अचार में डालना है। ये सौंफ हो गया, सौंफ, धनिया, जीरा हो गया, जो हमने रोस्ट कर कर भुना है। देखें, हमने सब्जियों को स्ट्रेन करने के बाद 10 मिनट तक एक कॉटन के कपड़े पर या फिर एक टॉवल पर, जिस तरह मैंने डाल रखा है, इसी तरह से डाल दें। और ये देखिए, इनका काफ़ी पानी जो है निकल गया है, ये काफ़ी मॉइस्ट हो गई है, इनका मॉइस्चर निकल गया है, टॉवल हमारी काफ़ी मॉइस्ट हो गई है। इसी से लग रहा है कि सब्जियां जो है पानी छोड़ चुकी हैं। और ये देखें, ड्राई लग रही होंगी आपको, तो इनका पानी हमने बिल्कुल ड्राई करने के बाद नमक डालना है। और ये हमने थोड़ी सी क्रश काली मिर्च डाली है, ये काला नमक, ये हमने सारा मसाला जो अभी आपको दिखाया था ना वो डाल दिया है। ये थोड़ी सी राई डाल दी है, लगभग 1.5 टीस्पून के करीब। और ये अब हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हिलाना भी है हमें। हमने हल्दी भी डाली है और ये अजवाइन, और ये देखिए हमने सारी चीज़ें मिला दी हैं। ये कुटी लाल मिर्च भी डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। और सारे मसालों को इस तरह से सब्जियों के साथ टॉस कर देंगे ताकि अच्छी तरह कोट हो जाएं सब्जियां हमारी। और उसके बाद हम थोड़ा सा हल्के हाथों से स्पून की मदद से इन्हें मिला देंगे। और अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ये लगभग मैंने 1.5 बड़ा चम्मच जो होता है ना उसके बराबर ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद भी हम अच्छी तरह टॉस करेंगे ताकि अच्छे से मसाले ऑयल के साथ मिल जाएं और सब्जियों को पकड़ लें इस तरह से। और बहुत ही अच्छा हमारा अचार बनेगा ये। और इस तरह हम मिलाने के बाद इसे धूप में भी हमें रखना है, बस 1 से 2 दिन रखेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल रेड वाली मिर्च डाली है। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल इतना ही रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। आप यहाँ पर इस पॉइंट पर ऑयल बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा लगभग 2 इंच के करीब अदरक का पीस लेकर इसको इस तरह काट लिया है। आप जैसा चाहें, जिस शेप में चाहें काट लें। अदरक का टेस्ट किसी भी अचार में अच्छा लगता है, अचारों में इसका टेस्ट सभी को पसंद आता है। और अदरक फायदे की भी होती है। और देखें, उसके बाद मैंने इसको रेडी कर लिया है और अब हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे किसी कंटेनर में, जार में रख देंगे, या मैं इस कंटेनर में डाल दूंगी। ये फूड ग्रेडेड है और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अचार आपका कैसा बना ये भी बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारा बहुत ही फ़ायदे का अचार बनकर रेडी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाता है।